मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बीन बनाने जा रही हूँ। बीन के लिए क्या क्या आवश्यकता होता है वो आपको हम बताएंगे। देखिए, मैं बीन को धोकर अच्छी तरह साफ सुथरा रख दी हूँ, 3-4 बार पानी से देखिए साफ कर दी हूँ। बीन को देखिए आलू मैंने ऐसे काटी हूँ, धोला के रख दी हूँ। टमाटर है, लहसुन है, प्याज है, और इसको हम बहुत बहुत अच्छे तरीके से बनाना है कि ये अच्छी तरह बन जाए, पक जाए और स्वादिष्ट लगेगा। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बीन बनाने जा रही हूँ। बीन के लिए क्या क्या आवश्यकता होता है वो आपको हम बताएंगे। देखिए, मैं बीन को धोकर अच्छी तरह साफ सुथरा रख दी हूँ, 3-4 बार पानी से देखिए साफ कर दी हूँ। बीन को देखिए आलू मैंने ऐसे काटी हूँ, धोला के रख दी हूँ। टमाटर है, लहसुन है, प्याज है, और इसको हम बहुत बहुत अच्छे तरीके से बनाना है कि ये अच्छी तरह बन जाए, पक जाए और स्वादिष्ट लगेगा। देखिए, लहसुन लाल मिर्च दोनों भूंज के भूरा हो गया। देखिए, अब इसे हम बीन डाल देंगे। आलू डाल दीजिए। प्याज डाल दीजिए। तो हम नमक डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालिए। इसको हम मिला के अच्छी तरह ढक देंगे, इसे भूरा होने देंगे। लाल लाल देखिए फैन, मैंने गरम मसाला डाल दिया, टमाटर डाल दिया, लाल मिर्च डाल दिया। अब इसको हम थोड़ा सा पानी का पेस्ट बनाएंगे इसको सब्जी के लिए। मैं लाल मिर्च पाउडर डाल दी हूँ, इसको पेस्ट बना रही हूँ मैं। ये पेस्ट बन जाएगा और ये सब्जी भुना जाएगा तो इसे हम डाल देंगे, फिर उसके साथ हम सब्जी भुनेंगे। अब इसको देखते हैं कि सब्जी भुन गया है कि भुन गया है, यानी आप कहने का मतलब लाल हुआ है कि नहीं हुआ है। इसको अभी नहीं हुआ है, अभी होगा। मेरे चैनल में अब नए हैं या पुराने हैं प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और पुराने वाले मेरे वीडियो को पूरा देखिए, नए वाले भी पूरा देखिए मेरे वीडियो।
और शेयर कीजिए मेरी वीडियो को। सपोर्ट की आपकी बहुत ज़रूरत है, आपकी रिक्वेस्ट है, भी मिलती है। इसको और भून जाएगा, अभी भूनना नहीं। देखिए आप सब्जी कितनी ज़्यादा भुनी थी, गल के थोड़ा सा हो गया, इसे ढक दीजिए फैन। आप देखती हो कि सब्जी उबल गया है कि नहीं, मतलब सब्जी का पानी खोल रहा है कि नहीं। अभी देखिए खोलने वाला है, खोला नहीं है, परंतु हम इसे मिलाएंगे अच्छी तरह से। अभी मिलना नहीं था, तेरे वीडियो बन गया। चिल्लाते रहते पारा, वीडियो बनाने भी नहीं देते, कहां कहां से आवाज निकाल देंगे। इसे उबलने दीजिए, अभी बना नहीं है। ऐसे तो सब्जी बन जाता है, हल्दी नमक भी डाल दो बस हो गया, इसमें थोड़ा टाइम लगता है बनने में। अब देखते हैं कि सब्जी बन गया है, सब्जी बन चुकी है। सब्जी बन गया है, थैंक यू फैन, मेरी वीडियो को देखकर हमने मन कर दिया था। ये देखिए अब इसे बीच में देखते हो मसाला को भून गया है कि नहीं। देखते हैं, देखिए भून जा गया है। अब देखिए ये भून जा गया है, अब हम इसे पानी डालेंगे। अब इसको हम ढक देंगे और इसको सब्जी अच्छी तरह खोल जाएगा तो सब्जी बन जाएगा। सब्जी ढक दीजिए, इसे धीमी आंच पे पकने देना है आपको। जब खोल जाएगा तो आपको मैं दिखाऊंगी कैसे खोल गया है। और ये खोल जाएगा और थोड़ा सा सा पानी ये सोख जाएगा, इसे उबाल के सुखाना भी तो है, पक जाए पानी भी तो पक जाएगा ना पानी, तो गर्म गर्म पानी हो जाएगा तो ये मानो सब्जी बन गया है। इसे हम बंद कर देंगे थोड़ी देर में, अभी हम इसे बनते आपको दिखाएंगे उबलते हुए। अब इसको मैं बीच में देखती हूँ मसाला भुन जा गया कि नहीं भुना गया है। अभी नहीं हुआ है, अभी भूनेगा अच्छी तरह से, अभी टाइम लगेगा उसमें सब्जी बनने में। जब ढक देते हैं, हमने इसे मिला दिए हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए।
मुझे कम से कम मेरे वीडियो को 500-600 देख लीजिए। मेरे वीडियो देखने का मतलब क्या है, मेरे कमेंट ही चाहिए। आप मेरे वीडियो को केवल 111 लोग देखते हैं और 200 करी कहीं भी ट्विटर में। ये चावल बन रहा था, चावल की सीटी लग रही थी। और फैन प्लीज विनती है, मैं कितने बार बोलूं, कमेंट मत करिए। कमेंट आपको में गुस्सा आता है, 111 लोग कमेंट करें, नहीं 111 लोग देखे हैं वीडियो को और 200 कमेंट कर रखे हैं, ये क्या बात हुआ? वीडियो देखने नहीं है क्या? मेरे उद्देश्य है, मैं खाना बनाती हूँ, मैं इसे सिखाती हूँ, मैं खाना क्या बनाती हूँ सिखाती हूँ। मैं खाना के मैं शौकीन हूँ, मुझे खाना का बनाने की अच्छी शौकीन है, मैं आदत है। मुझे दूसरों को दिखाना है कि मैं कैसे खाना बनाती हूँ, वो भी आप भी बना सकते हैं, कोई कठिन नहीं है। अब प्लीज कमेंट मत करिए, मैं वीडियो देखिए। अब देखते हैं कि भूंज गया कि नहीं भूंज गया है, इसे चेक करना बहुत जरूरी है, वरना सब्जी अंदर अंदर ही जल जाएगा। और इसे हमें जलाना नहीं है। क्या स्वाद आ रहा है, पर अंदर से स्वाद आ रहा है, देखिए भुआ हो गया है। थोड़ा सा और भूंगी, अब करना क्या करेंगे, जो हमने मसाला बनाया है उसका हम पैक इसमें सब्जी में डालेंगे। देखिए आपको मैं दिखा चुकी थी, इसमें मैंने हल्दी, नमक, गरम मसाला, टमाटर सब डाल रखी थी। नमक तो हमने पहले ही डाल दी थी सब्जी में, अब इसको हम डाल देंगे। इसे थोड़ा सा और पानी डाल दीजिए, मैं मसाला डाल दी थी। इसे मसाला को भूंजेंगे, अब मसाला भूंजा जाएगा अच्छी तरह से, तो अपने हिसाब से पानी डालना है आपको। अब वो पानी खोल जाएगा, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हमने गुलाब जल, हल्दी और बेसन का पेस्ट बनाया है। आप कैसा वीडियो बनाएं इसके बारे में हमने वीडियो में जानकारी दिया गया है, आप भी इस घर पे बना सकते हैं। हेल्दी और निखार के लिए बहुत अच्छा है और ये खूबसूरत बनाता है, फेशियल का फेस पैक है ये। आप भी इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो को अब लगाइए, बहुत बहुत अच्छा उपाय है, इस घर में आप भी बना सकते हैं। और मेरे वीडियो कैसा लगा हो तो दोस्तों जरूर बताना। इस हमने अपने वीडियो को समझ नहीं आया तो इस हमने बहुत सारे वीडियो में आपको बताएंगे, दिखाएंगे, कुछ समझ नहीं आया हो तो प्लीज़ सपोर्ट मी, मेरे वीडियो शेयर कीजिए दोस्तों और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए कि मैं अच्छा बारे में जानकारी देती हूँ। आपको नहीं समझ आता है तो आप भी बता सकते हैं मैं क्या कमी की हूँ मैंने। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक फॉर शेयरिंग। मैं बहुत जल्दी नया वीडियो अपलोड करूँगी और जल्दी लाऊंगी। आप वीडियो कमेंट करके जो बताना दोस्तों मैं कैसा वीडियो बनाई हूँ। नमस्ते।